एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो ये है कि विद्या प्राप्त ना कर पाने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ाने से अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह ना रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व शिष्य उस कार्य को पूरा कर दे, गुरु के विचारों के साथ शिष्य के विचार एक हो जाए। शिष्य जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप ना देख ले तब तक उसका समर्पण सत्य नहीं। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोष केवल हमारे मन का नहीं? स्वयं विचार कीजिए।